नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ एक्सपर्ट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। हमारी डिलीवरी की ड्यू डेट निकल चुकी है, उसका मतलब है 40 हफ्ते की जो कि डॉक्टर ने हमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दी थी वो समाप्त हो चुकी है। हमारा 41 वीक ऑफ प्रेगनेंसी शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें डिलीवरी के कोई या पेन्स के कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। इस प्रेगनेंसी को हम जो प्रेगनेंसी ड्यू डेट के बाद एक्सटेंड हो जाती है 41 वीक्स या 42 वीक्स तक, इसको हम पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी या पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी या प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी कहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि 10% महिलाओं में डिलीवरी की डेट क्रॉस होने के बाद भी लेबर पेन्स के कोई लक्षण नहीं रहते हैं, और इस दौरान महिला को क्या सावधानी लेनी चाहिए, हमारे होने वाले गर्भस्थ शिशु में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी डिलीवरी की डेट निकल जाती है उसका मतलब ये है कि हमारा जो प्लेसेंटा है उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, उसका जो काम करने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो चुकी है, उसकी एजिंग हो चुकी है। इसीलिए प्लेसेंटा गर्भस्थ शिशु को जाने वाला ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई, पोषण तत्व ये सब सप्लाई करने में कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण बच्चे की हलचल कम हो सकती है, बच्चे के आसपास की पानी की मात्रा कम हो सकती है, और कभी कभी बच्चा डिस्ट्रेस में आने के कारण मीकोनियम पास मीकोनियम या उसकी पॉटी जो कि गर्भ के अंदर ही पास कर देता है, जिसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हला पीला हो जाता है, उसके शरीर का कलर हरा हो जाता है, और कभी कभी डिलीवरी के बाद ये म्यूकोनियम यदि शिशु के लंग्स में चला जाता है तो उसको निमोनिया की शिकायत भी हो जाती है, इसे हम फीटर डिस्ट्रेस कहते हैं। उसके साथ बच्चे की जो पोषण तत्व न मिलने के कारण उसकी चमड़ी का टेक्सचर बदल जाता है, उसमें झुर्रियाँ रिंकल्स दिखने लगती हैं, वो थोड़ा पतला दिखता है, और उसके शरीर पर जो वर्निक्स के जोजा का लेयर होता है, जो एक फैट लेयर होता है, वो भी उसका धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, उसके नाखून भी बड़े दिखते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि उसके जो मस्तिष्क की हड्डियां हैं वो कठोर होने लगती है। तो जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चे को इंजरी होने की या क्षति होने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है, इसीलिए इस प्रेगनेंसी को डॉक्टर्स हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में रखते हैं। और ये भी देखा गया है कि सडनली समय की समाप्ति हो जाने के बाद कभी कभी बच्चे के मूवमेंट्स एकदम बंद हो जाते हैं, उसकी हार्ट बीट्स बंद हो जाती है, इसी कारण शिशु का गर्भ के अंदर कभी कभी डेथ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी कारण इसी दौरान ये सलाह दी जाती है कि आप क्लोज ऑब्जर्वेशन में रहें और रेगुलर डॉक्टर ऐसी महिलाओं का चेकअप करते रहते हैं, उनका कलर डॉपलर करवाते रहते हैं। यदि कुछ रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं तो डॉक्टर लेबर इंडक्शन की सलाह देते हैं और लेबर को इंड्यूस कर देते हैं। इसी दौरान गर्भवती महिला को भी बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती है, उसको अवसाद होने लगता है, उसको चिंता होने लगती है कि लेबर पेन्स क्यों नहीं आ रहे हैं। महिलाओं के दिमाग में ये सवाल आते हैं कि उनके लेबर पेन्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये देखा गया है कि कभी कभी हमारी ये स्थिति अनुवांशिक कारणों के कारण होती है। यदि माँ के लेबर पेन्स लेट आते हैं, कभी कभी महिलाएं बताती कि हमारे तो 10वें महीने में डिलीवरी हुई थी, तो ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि गर्भवती महिला अपने लास्ट मेंसेस की डेट को भूल जाती है, या उसके महीनावारी या उसके मासिक धर्म बहुत ही अनियमित होने के कारण उसको समझ में नहीं आता कि उसका कंसेप्शन कब हुआ, और कभी कभी इस तरह के कन्फ्यूजन्स के कारण भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो होती है वो बदल जाती है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि बच्चे में कुछ ऐसी विकृति होती है जो जिसका पता माँ को नहीं होता है, तो उस केस में भी डिलीवरी प्रोलॉन्ग हो सकती है। और तीसरा कि हमारे हार्मोन्स में यदि गड़बड़ होती है, बदलाव आते हैं, कुछ हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते हैं, तो भी लेबर पेन्स की शुरुआत नहीं होती है। इस दौरान होने वाली मॉम को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना संतुलन बना के रखे, कॉन्फिडेंट रहे, खुश रहे और रिलैक्स रहे, और अपने डॉक्टर के पास जब भी बुलाएं चेकअप के लिए जाए और डॉक्टर की सलाह माने, और यदि और वो चाहती है कि उसके लेबर पेन्स इंड्यूस हो तो इसी दौरान
कच्चा पपीता या पाइनएप्पल्स खाने से कभी कभी लेबर पेन्स की शुरुआत हो जाती है और आपके पास बहुत अवसाद है तो आप इंटरकोर्स भी कर सकते हैं, इंटरकोर्स से भी कभी कभी लेबर पेन स्टिमुलेट हो जाते हैं, और अपने आप को डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रखें। और यदि कलर डॉपलर में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं या कुछ चिंताजनक स्थिति आती है तो कभी कभी डॉक्टर इमरजेंसी सिजेरियन करने की सलाह देते हैं और या तो लेबर इंडक्शन करने की सलाह देते हैं, तो आप बिल्कुल डॉक्टर की सलाह के मुताबिक इस दौरान चले। होने वाले डैड्स को मेरी ये सलाह है कि हालांकि ये स्ट्रेसफुल पीरियड है, फिर भी आप अपना धैर्य बना के रखें, होने वाली मॉम को सपोर्ट करें, वो उनको खुश रखें और उनको कॉन्फिडेंट रखें और उनके साथ सुखद एक्टिविटीज़ में अपना टाइम बिताएं, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको समय नहीं मिलने वाला है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। ये मेरा प्रेगनेंसी 40 वीक्स वीक बाय वीक सीरीज़ का ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो के दौरान मैं समझती हूँ कि सभी गर्भवती महिलाओं को इससे कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, और आने वाले वीडियोज़ के साथ ट्यून अप रहे। नमस्कार, धन्यवाद।